कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें। हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे क़यामत की निशानी है। अगर नेट ना आया तो मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो। बस ये तो आपका बड़कपन है। नेट को डरा इतना दिया, नेट ने क्या करने आना है, नेट बहुत ज्यादा डर गया है। इंटरनेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं, वो ये कहते हैं ना बताएं। हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम गुलाम हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। लोगों को अपलोडिंग में मसला हो रहा है, इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब हुआ है क्योंकि फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरवॉल चाइना में इस्तेमाल होती है और उन्हीं से लेकर अब पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल की गई है, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं, पर वीक 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत इतनी गिरी पड़ी है, उसमें इंटरनेट को बंद करना, सोशल मीडिया का गला दबाना, फायरवॉल को इस्तेमाल करना इकोनॉमी को मजीद कितना नीचे ले आ सकता है। ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कैसे? क्योंकि ये बाहर की जो मूवी है, जो भी है तरीक़ेकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। जो है ना, ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तो यूज नहीं करता, मेरे भाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका कारोबार है जो भी है। बाकी मुझे नफरत है नेट से। क्यों नफरत है? कि यंग बच्चियाँ खराब हो रही है, ठीक है जी, नेट की वजह से। वजह से नहीं, अपनी वजह से। के जो इंसान देखें, आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है, कैसे आया है, कहाँ से आया है? वो बैंक में जॉब करती है, बटनों वाला फोन है। फोन तो है ना? बिल्कुल, फोन तो है, बिल्कुल। ना फोन को आप यूज करते हैं या फोन आपको यूज करता है? फोन को मैं यूज करता हूँ। आप यूज करते हैं ना इस्तेमाल? जो नेट है ना, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बुराई में नहीं जाना चाहिए। ये कहे ना आप? बिल्कुल, असल पॉइंट में आ गया हूँ। ये था ना, लेकिन दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम अभी भी नेट को बुरा वाला कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है बताइए? हर एक घर में दुश्मन है, ठीक है जी, चाहे भाभी है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे जो भी है, घर में दुश्मन पैदा होते हैं, हसद करते हैं। अच्छा, ये सिग्नल चले जाते हैं, बफरिंग होती है, वीडियो अपलोड नहीं होती, ये हम कौन से दौर में जी रहे हैं, क्या है ये? ये क़यामत की निशानी है। साइंस पर यकीन है या नहीं है? साइंस है, बिल्कुल है। पक्की बात है? पक्की बात है, बिल्कुल। तो अब आप नेट बंद कर देंगे, आस्ता आस्ता क्या बंद कर देंगे? कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। आपको पता है, एक बच्चा, एक बर्गर बेचने वाला, वो भी अब नेट पे चल रहा है। हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है, तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो। बस
ये तो आपका बड़कपन है कि आप अप्रिशिएट करें, लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं इंटरनेट जो है वो शैतान का फितना है, शैतान का फितना है। अपने माइंड पे होता है जो इंसान जो जिस यूज करे। इतनी अच्छी सहूलतें दे दी हैं, आपकी मेहरबानी इस नेट को चलाएं, नहीं तो आपकी मेहरबानी इस मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, अभी 2024 चल रहा है, चीज है हम ना अपने वजीर आजम का नाम चांद ना रख लें। हमारे वजीर आजम चांद है, चांद ऊपर है, क्योंकि ये भी बेहतरी है कि जहाँ पे नेट नहीं लगा वो कहते हैं हम सुकून में है, और जिनके पास लगा वो भी तुम वापिस ले लो, मरे समझो सारे। अगर नेट नहीं ना चलेगा तो वो बाप को भी बड़े गुस्से से देख रहे हैं, जैसे बाप ने गलती कर दी कोई, समझ आई कि नहीं। ये इंटरनेट के बगैर कोई काम नहीं, कारोबार लोग अंडर उसके जरिए करते हैं। 500 मिलियन का एक हफ्ते में नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इनका तो नहीं हो रहा है, ये कमा रहे हैं, ये हमारे मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मगर इंटरनेट के बगैर आज के दौर में जिंदगी है नहीं, बहुत मुश्किल है। जब एक चीज ही आम हो गई है, हम इसको शैतान का फितना क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं, वो ये कहते हैं ना बताएं, हमारा राज ना खोलें, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं। दुनिया तो चांद तक पहुंच गई है, हम यहाँ जमीन पर रह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। पता क्या, हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम गुलाम हैं, हमारी कोई जिंदगी तो नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश तो नहीं है, हम कोई आजादी के दिन किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कितने जवानों को लोग पकड़ कर ले गए, फंसी हुई है। ये बताएं, इंटरनेट जरूरी है अभी? इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ का पता चलता रहता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, फलांज का क्या हो रहा है, फलांज का क्या हो रहा है। लेकिन ये चांद पे पहुंच रही है, माशाल्लाह पाकिस्तानी ऐसे तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तानी तरक्की की माशाल्लाह क्या उनकी मिसाल दे, कोई नया ही कारनामा ईजाद करते हैं, हर बार हर साल नया ही कोई कारनामा पाकिस्तानी करते हैं। अब करतूत ही इन्होंने खुद किया, फंसे भी खुद पड़े हैं, अब नेट चल नहीं रहा। इंटरनेट की आप नीचे बेसमेंट पे चल जाए, दूर दराज इलाकों में चल जाए, नेट कहते हैं मैंने तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस नेट को डरा इतना दिया, नेट ने क्या करने आना है, नेट बहुत ज़्यादा डर गया है। आवाम ने कुछ डराया हुआ था नेट को, लेकिन फिर भी वो सर दिया हुआ था नेट ने के चले मैं इनको गाइड करता चलता हूँ चलता चलता हूँ। लेकिन अब क्या करें, अब गवर्नमेंट के हाथों लगा है नेट, तो जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अब उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाना है वो पीछे की तरफ उनका कदम जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि गरीब का जो है ना नुकसान होता है और उम्मीद कुछ जाता नहीं है ना, गरीब क्या करे, वो पैसे दे के काम करवा लेते हैं। एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगी, इंटरनेट शैतान का फितना है या नहीं? शैतान का फितना तो नहीं है, अगर इंटरनेट को सही इस्तेमाल किया जाए ठीक है ना, तो इंसान का जो है ना वो फ्यूचर भी है। हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान को इंटरनेट बंद होने के कारण लगभग 65 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये नुकसान देश की अर्थव्यवस्था और डिजिटल कारोबार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने की ये स्थिति मुख्यतः सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों या किसी विशेष घटना के मद्देनजर की जाती है। हालांकि इंटरनेट बंद करने के ये उपाय अस्थाई होते हैं, लेकिन इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। डिजिटल युग में इंटरनेट की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वह बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा या दूरसंचार हो, हर क्षेत्र इंटरनेट पर निर्भर है। पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में इंटरनेट सेवाओं का बंद होना एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे न केवल कारोबार प्रभावित होता है, बल्कि वैश्विक बाजार में देश की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान के डिजिटल और ई कॉमर्स सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऑनलाइन व्यापार करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनके राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान सेवाओं में भी रुकावट आई है, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि समाज में असंतोष भी बढ़ता है। इंटरनेट आज के समय में केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक आवश्यक सेवा है। इसे बंद करना मानवीय अधिकारों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। इसलिए सरकार को इंटरनेट बंद करने के बजाय ऐसे समाधान तलाशने चाहिए
जो सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुनिश्चित कर सके। पाकिस्तान को इस नुकसान से सीख लेते हुए अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।